स्टॉक मार्केट शेयर बाजार को रिस्क के साथ साथ संभावनाओं से भरा बाजार भी कहा जाता है। यहाँ कब कौन सा स्टॉक कमाल कर जाए कोई नहीं जानता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी पर दांव लगाने वाले लॉन्ग टर्म निवेशकों की किस्मत ही बदल गई है। कंपनी ने 3 बार बोनस शेयर जारी करने के बाद 1 लाख के निवेश को 45 करोड़ रुपए बना दिया। शेयर बाजार में क्या हाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD का? कंपनी के शेयर सोमवार को NSE में 0.40% की तेजी के साथ 100.30 रुपए के लेवल पर बंद हुए। 1 जनवरी 2022 से अब तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD के शेयरों में 45,490.91% की तेजी देखने को मिली है। बता दें, इस सरकारी कंपनी ने 1:10 और के अनुपात में 3 बार बोनस शेयर भी जारी किया है। यह भी पढ़ें, 80,000% तक का तगड़ा रिटर्न, निवेशक माला माल, 1 लाख का बना दिया 45 करोड़ रुपए। कंपनी पर जिस किसी निवेशक 1 लाख रुपए का दाम 1999 में खेला होगा, उसे तब शेयर 4,54,545 मिले होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने पहली बार बोनस शेयर 14 सितंबर 2015 को जारी किया था। तब कंपनी ने के हिसाब से ये बोनस शेयर इश्यू किया था। 2 ही साल बाद 28 सितंबर 2017 को फिर इस सरकारी कंपनी ने 1:10 के हिसाब से बोनस इश्यू जारी किया। वहीं तीसरी और आखिरी बार भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने के हिसाब से बोनस शेयर जारी किया था। यानी अगर 1999 में कंपनी पर दांव लगाने वाले निवेशक अब तक होल्ड किए होंगे तो उनके शेयरों की संख्या बढ़कर 44,99,994 हो गई होगी। और अगर हम सोमवार की कीमत के हिसाब से कैलकुलेट करें तो लॉन्ग टर्म में निवेशकों का 1 लाख रुपए आज बढ़कर 45 करोड़ रुपए हो गया होगा। बता दें, कंपनी का मार्केट कैप 73,280.53 करोड़ रुपए का है। डिस्क्लेमर, यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।